नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिलिंग कटर्स पे, जो मिलिंग मशीन पे हम जितने भी काइंड ऑफ ड्रिल कटर्स हम यूज़ करते हैं उनके क्या एप्लीकेशंस है। तो ये सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमारी वीडियोज़ को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देख के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मिलिंग कटर्स गाइस, ये देखेंगे ये कुछ मिलिंग कटर्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मिलिंग कटर। मिलिंग कटर क्या है? द मिलिंग कटर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन विच इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। जो मिलिंग कटर्स, मिलिंग मशीन में गाइस जो मेन जो टूल होता है वो ये मिलिंग कटर्स ही होते हैं। और मिलिंग कटर्स की हेल्प से हम जो वर्कपीस है उसकी जो सरफेस से हमें जो मटेरियल रिमूव करना है, इस टूल की हेल्प से ही हम करते हैं। जिस टूल की हेल्प से यूज करते हैं हम, उसको हम मिलिंग कटर कहते हैं। तो ये डिफरेंट अलग अलग तरह के मिलिंग कटर्स होते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर। टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मिलिंग कटर आर एंड मिल कटर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एंड मिल कटर है। नेक्स्ट इज बॉल कटर, ये कुछ इस तरह की शेप में हमारा बॉल कटर होता है, इसको रेडियस कटर भी बोलते हैं। उसके बाद रगिंग एंड मिल कटर्स, उस इस तरह का रगिंग एंड मिल कटर्स है ये। उसके बाद स्लैब मिल, ये स्लैब मिलिंग कटर है। नेक्स्ट इज साइड एंड फेस मिलिंग कटर, ये कुछ कटर जो है ये साइड एंड फेस मिलिंग कटर से। गाइज, मैं आगे इनको सभी की एक एक एप्लीकेशन बताऊँगा कि कौन सा कटर कहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इन्वोल्यूट गियर कटर, ये गियर कट करने के लिए हम इस तरह के कटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये फ्लाई कटर। नेक्स्ट इज होलो कटर। नेक्स्ट इज फेस मिल कटर। एंड नेक्स्ट कटर इज सेल मिल कटर। नेक्स्ट इज डेवटल कटर। नेक्स्ट इज वुड रफ कटर एंड एंगुलर मिलिंग कटर। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट मिलिंग कटर्स हैं, मिलिंग टूल्स हैं जो कि हम मिलिंग मशीन पर यूज़ करते हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए। अब हम वन बाय वन इन पर डिस्कस करते हैं कि जो कौन सा कटर हमारा कहां पर यूज होता है। ये गाइस, इनका मटेरियल की बात करें तो मोस्टली जो मिलिंग कटर्स होते हैं वो हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, और कुछ कटर्स हम कार्बाइड वगैरह के भी, कार्बाइड उस यानी हार्ड मटेरियल है तो हम कार्बाइड वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये हाई स्पीड स्टील के ही बनाए जाते हैं। इसके बाद करते हैं सबसे पहला जो कटर है वो एंड मिल कटर। कुछ आप देखेंगे कुछ इस तरह का ये एंड मिल कटर्स होता है, और यहाँ पर देखिए इस इमेज में आप यहाँ पर देखिए इसका जो प्रोसेस है कुछ इस तरह से होता है। एंड मिल कटर आर द टाइप ऑफ कटर यूज इन मिलिंग विच हैज टीथ एट द एंड और एट द फेस ऑफ द सर्कुलर डिस्क। जो हमारे डिस्क में जो डिस्क होती है उसमें स्टार्टिंग से लेके ऊपर तक जो हमारे इसमें कटिंग के टीथ्स बने होते हैं। दिस टाइप ऑफ कटर इज मोस्टली यूज विद द वर्टिकल मिल मशीन। और ये जो कटर है, इस तरह के जो कटर्स हैं ये मोस्टली हम वर्टिकल जो मशीनिंग सेंटर हमारा हेड होता है, वर्टिकल हेड होता है मिलिंग मशीन का, उस पर हम इस तरह के कटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कटर इज रगिंग एंड मिल कटर, ये भी एंड मिल कटर का ही एक टाइप है। ये कुछ यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का ये रगिंग एंड मिल कटर होता है। और रगिंग एंड मिल कटर आल्सो नाउन एज हॉग मिल, इसको हम हॉग मिल भी बोलते हैं। आर यूज टू क्विकली रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग हैवियर ऑपरेशन। जब हमें लार्ज यानी ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मटेरियल को रिमूव कराना होता है तो इस तरह के एंड मिल कटर का हम यूज़ करते हैं, इसको हम हॉग मिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज बॉल मिल कटर। बॉल मिल कटर्स क्या होते हैं यहाँ पर देखेंगे, और कुछ मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि ये जो कटर है ये बॉल मिल कटर है। बॉल मिल जो बॉल कटर है आल्सो नाउन एज बॉल मिल, जो बॉल कटर्स होते हैं इसको हम बॉल मिल भी बोलते हैं। हैव अ हेम्स्फेरिकल कटिंग टिप्स, इसकी जो टिप्स होती है वो हेम्स्फेरिकल शेप में होती है। द ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन अ कॉर्नर रेडियस ऑफ परपेंडिकुलर फेसेस। जो भी परपेंडिकुलर फेसेस होते हैं वहाँ पर उसकी जो कॉर्नर में जो रेडियस बनाने के लिए हम इस तरह के कटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्लैब मिल। स्लैब मिल कटर है, कुछ आप देखेंगे हम इमेज में कुछ इस तरह के कटर्स होते हैं। एंड स्लैब मिल आर नॉट द कॉमन
विद मॉडर्न मशीनिंग सेंटर, ये जो कोई कॉमन नहीं है, रेदर दे आर स्टिल यूज विद मैनुअल मिलिंग मशीन टू क्विकली मशीन लार्ज सरफेस। इस जो कटर है इसकी हेल्प से हम जल्दी ही जल्द जल्द जो सरफेस है उससे ज़्यादा मटेरियल को हम रिमूव करा सकते हैं इस कटर की हेल्प से। स्लैब मिल से हॉरिजॉन्टल, और ये जो कटर है इस तरह के कटर को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, यानी हॉरिजॉन्टल हेड जिस मशीन में होगा वहाँ पर हम इस तरह के कटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज साइड एंड फेस मिलिंग कटर। सो इस तरह का साइड एंड फेस मिलिंग कटर है। द साइड एंड फेस मिलिंग कटर एंड इट्स नेम इम्प्लीज विल कट अ ग्रुप्स और स्लोट एंड आल्सो कट द साइड वॉल इन द वर्क पीस एट द सेम टाइम। इस कटर में देखिए यहाँ फेस से भी कट करता है और यहाँ से साइड से भी, दोनों ही यानी वॉल्स, साइड में जो वॉल्स होंगी वहाँ से भी कटर करता है। इस तरह के ग्रुप्स वगैरह अगर हमें बनाने हैं तो उसमें हम इस तरह के साइड एंड फेस मिलिंग कटर का यूज़ करते हैं। गाइस मैंने काफ़ी मिलिंग कटर्स पे, अलग अलग कटर्स पे भी वीडियो बनाई है, तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद बात करते हैं इनवोल्यूट गियर कटर। ये जो कटर है इस तरह के कटर का हम गियर कटिंग के लिए हम यूज करते हैं। देयर इज अ स्पेशल कटिंग टूल फॉर मिलिंग इनवोल्यूट गियर। देयर आर डिफरेंट कटर्स अवेलेबल टू द प्रोसीजर गियर कटिंग। इस तरह के जो कटर्स होते हैं अलग अलग पिच की अकॉर्डिंग हमें अलग अलग साइजेस में मिल जाएंगे, जो कि हम यूज गियर कटिंग के लिए करते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्लाई मिल कटर। फ्लाई मिल कटर कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, और एक इमेज में देखिए कुछ इस तरह से ये फ्लाई मिल कटर है। यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलिंग कटर, फ्लाई मिल कटर जो है वो कटिंग करता है। फ्लाई मिल कटर आल्सो यूज प्राइमरी ऑन अ मिलिंग मशीन फॉर अ मशीनिंग लार्ज फ्लैट सरफेस एरिया। जो फ्लैट सरफेस एरिया पे लार्ज अमाउंट रिमूव कराना है वहाँ पर हम इस तरह के यूज़ करते हैं। और ये जो कटर है द फ्लाई कटर इज अ सिंगल पॉइंट, ये जो कटर है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। कटिंग टूल सिमिलर ऑफ द लेथ, जैसे हम लेथ मशीन में एक होल्डर में हम टूल को फिट करते हैं, सेम इसी में भी फ्लाई मिल कटर में भी हम एक सिंगल पॉइंट टूल होता है उसको एक होल्डर के थ्रू फिट करके फिर हम कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है होलो मिल कटर। होलो मिल कटर कुछ इस तरह के कटर्स होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कॉमन यूज ऑफ होलो मिल कटर प्रिपेयरिंग फॉर द थ्रेडिंग, ये कुछ हम थ्रेडिंग अटैचमेंट वगैरह में लगाने के लिए उसके हम यूज़ करते हैं। द होलो मिल कैन क्रिएट अ कंसिस्टेंट प्री थ्रेड डायमीटर क्विकली, ये जो है और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे हमें थ्रेड वगैरह कट करनी है तो उसके लिए प्री थ्रेड ड्राइव जो भी पहले से जो तैयार किया हमने डायमीटर थ्रेड कट करने के लिए उसको आसानी से जल्दी बना सकते हैं इस कटर की हेल्प से। नेक्स्ट इज फेस मिल कटर। ये इस तरह के कटर्स होते हैं, ये फेस मिल कटर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जब हमें ज़्यादा मटेरियल फेस से हमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है तो इस तरह के कटर का हम यूज़ करते हैं। फेस मिल कटर इज मशीनिंग प्रोसेस, ये मशीनिंग प्रोसेस में है। विच द मिलिंग कटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द वर्क पीस, परपेंडिकुलर द वर्क पीस हम इसको फिट करते हैं। द मिलिंग कटिंग इज इसेंशली पोजिशन फेस डाउन टोनवर्ड टॉप द, ये जो कटिंग आप यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इसका जो कटिंग है फेस नीचे हॉरिजॉन्टल, ये भी वर्टिकल पोजिशन में हम इस तरह के कटर का यूज़ करते हैं। और इस तरह से देखेंगे यहाँ पर तो इस तरह से मटेरियल को रिमूव कराया जाता है इस फेस मिल कटर की हैवी यानी ज़्यादा अमाउंट में हम इसमें मेटल को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट इज सेल मिल कटर। आप देख सकते हैं यहाँ से ये सेल मिल कटर है और इस तरह के कटर का यूज़ भी हम सेल मिल कटर प्रोवाइड क्विकली सरफेस फिनिश एट अ हायर स्पीड वाइल फ्लाई कटर कैन बी क्रिएट अ मच फाइनर फिनिश विद लार्ज हॉर्स पावर, यानी हाई स्पीड में हम फ्लाई कटर वगैरह का यूज़ करते हैं। इसको भी हम लार्ज उसमें हम कम मटेरियल रिमूव करा सकते हैं, लेकिन ये एक बार में काफ़ी सरफेस से हमारे मटेरियल को रिमूव कर सकता है। टू द एंड अ फ्लाई कटर यूज़ ओनली वन इंसर्ट विच वाइल स्लोअर एंड प्रोवाइड अ मोर यूनिफॉर्म सरफेस विच, उसमें हम एक क्योंकि वो सिंगल पॉइंट होता है, इसमें यहाँ पर देखिए इसके मल्टी यानी काफ़ी सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं ये जो कटर है वो कटिंग करता है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेसी में हमारा कटर कटिंग कर सकता है सेल मिल कटर है। और ये भी हम इस तरह के कटर का भी हम मोस्टली हॉरिजॉन्टल पोजिशन में ही हम इस तरह के कटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डेप्टल मिलिंग कटर। ये जो कटर देख रहे हैं आप यहाँ पर ये डेप्टल मिलिंग कटर है। डेप्टल मिलिंग कटर आर स्पेशलाइज टूल फॉर कटिंग अ डेप्टल एंगल ग्रूव इनटू द वर्क पीस एंड आर यूज फॉर फिटिंग और ज्वाइंट पार्ट्स। इस तरह के कटर्स का हम
वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें कोई डेप्टल शेप बनानी है, डेप्टल ग्रूव कट करना है अपने वर्क पीस में। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं जैसे मशीन्स के बेड वगैरह होते हैं वहाँ पर जो स्लाइडें होती हैं, तो मोस्टली वहाँ पर जैसे लेथ मशीन है या मिलिंग मशीन भी है तो उसके जो स्लाइड होते हैं वहाँ पर डेप्टल ग्रूव बनाए हुए जाते हैं। तो इस तरह के कटर्स की हेल्प से हम वहाँ पर उस तरह के डेप्टल ग्रूव बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वुड्रफ कटर। कुछ ये कटर जो है वो वुड्रफ कटर है और इस कटर का हम आर यूज़ टू कट द की वेस ऑफ अ वुड्रफ की। ये हम इस तरह के कटर का यूज वुड्रफ की जहाँ होती है उसको हम फिट करने के लिए इस तरह के कटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वुड्रफ की है, हाफ राउंड की शेप में जो वुड्रफ की होती है और इसको फिटिंग करने के लिए कुछ हम इस तरह के कटर का यूज़ करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो हम जैसे टी स्लॉट्स वगैरह बनाए हुए हैं तो वहाँ पर भी हम इस तरह के टी स्लॉट्स के लिए भी इस तरह के वुड्रफ कटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर मिलिंग कटर। एंगुलर मिलिंग कटर ये कुछ इस तरह के जो कटर्स हैं इनको एंगुलर मिलिंग कटर कहते हैं। ये सिंगल सिंगल एंगल में भी आते हैं, डबल एंगुलर में भी आते हैं, प्लेन में भी आते हैं। तो इस तरह के ये देखिए एंगुलर कटर आर यूज टू मेक अ स्पेरेशन एंड प्रोड्यूस वी नोज। ये कोई भी हमें वी टाइप का ग्रूव अगर हमें बनाना है तो वहाँ पर हम इस तरह के कटर्स का यूज़ करते हैं। दे आल्सो आर यूज फॉर मिलिंग थ्रेड एंड प्रोड्यूसिंग अदर एंगल ऑफ सर्फेस। किसी भी एंगल जैसे यहाँ पर देखिए कोई हमें एंगल में कोई वी ग्रुप बनाना है, वी स्लॉट कट करना है, कोई सी भी एंगल में करना है, अलग अलग एंगल्स में आपको ये कटर्स मिल जाएंगे। डबल एंगल, सिंगल एंगल और इनका कोई पर्टिकुलर एंगल चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो इस तरह के ये जो कटर्स हैं वो एंगुलर मिलिंग के लिए हम इस तरह के एंगुलर मिलिंग कटर का यूज़ करते हैं। सो गाइस ये तो था आज की इस वीडियो में कंप्लीट मिलिंग कटर्स के बारे में, जो मेन मिलिंग कटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। आई होप दोस्तों मिलिंग कटर्स से लेके जो भी डाउट्स रहेंगे सभी क्रैक किए होंगे हमने अपनी आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।